व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप है और इसी वजह से इसमें आपको ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई नया अपडेट या फीचर देखने को मिलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने फेक न्यूज को रोकने के लिए एक नया फीचर अनाउंस किया था, साथ ही फेसबुक के मैसेंजर रूम फीचर को भी व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया गया था, जिसके थ्रू आप 50 लोगों के साथ एक साथ वॉइस और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। मतलब हर महीने व्हाट्सएप पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। इसलिए आज के इस टेकटॉक के वीडियो के अंदर आपसे बात होगी व्हाट्सएप के बारे में ही, कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर व्हाट्सएप आपको कौन सा नया फीचर या नया अपडेट देने वाला है। सो इफ यू वांट टू नो देन वॉच दिस स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप पर अगले कुछ दिनों में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, और वो है डिसअपीयरिंग मैसेजेस। अभी तो व्हाट्सएप पर आप भेजे हुए मैसेजेस को मैन्युअली डिलीट करते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है जिसमें भेजे हुए मैसेजेस खुद ही डिलीट हो जाएंगे। इस फीचर में टाइम लिमिट का ऑप्शन होगा, जिसके थ्रू आप किसी भी मैसेज की एक्सपायरी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉरवर्ड किया गया मैसेज सीन होने के एक घंटे बाद ही खुद से डिलीट हो जाए, तो आप ऐसा सेट कर सकते हैं और ऐसा अपने आप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाबीटा इन्फो, ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज पर है और इसको एक्सपायरिंग मैसेजेस के नाम से लॉन्च किया जाएगा। आई थिंक इट्स गोना बी रियली फन सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस आफ्टर दिस फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो अगले कुछ दिनों में व्हाट्सएप पर आपको मिल सकता है, वो है इन ऐप ब्राउजर। वैसे टू बी एग्जैक्ट, इस फीचर पर पिछले साल से ही व्हाट्सएप काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे रोल आउट नहीं किया गया है। लेकिन जैसे पिछले 4-5 महीने के अंदर व्हाट्सएप ने अपने ऐप के लिए काफी सारे पेंडिंग फीचर्स को ऐड कर दिया है, तो लगता है ये फीचर भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। इन ऐप ब्राउजर फीचर से आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी लिंक को विद इन द ऐप एक्सेस कर पाएंगे, और इसके लिए आपको किसी दूसरे वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। Basically, it will save your time and internet. And now the third major feature जो WhatsApp आपके लिए लेकर आएगा, वो है multiple device support. इस feature की भी testing काफी सारे समय से हो रही है। WhatsApp काफी time से इसकी testing कर रहा है और इसे linked device के नाम से roll out किया जा सकता है। इस feature के आने के बाद आप एक WhatsApp account को एक साथ कई devices पर access कर पाएंगे। अभी आप एक WhatsApp account को एक ही phone पर access कर पाते हैं, और अगर आप दूसरे फोन पर वो अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो पहले आपको पहले फोन से उस अकाउंट को हटाना पड़ता है। लेकिन लिंक्ड डिवाइस फीचर के आने के बाद आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट्सएप का वेब सर्च फीचर, और शायद ये फीचर व्हाट्सएप पर दूसरे फीचर से पहले आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप ने इसे बाकी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के आने के बाद आप फॉरवर्डेड मैसेजेस को वेरीफाई कर पाएंगे। यानी अगर आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होगी, तो आप सर्च का बटन यूज करके उस मैसेज को गूगल के थ्रू वेरीफाई कर पाएंगे और जान पाएंगे कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या फेक है। इस फीचर के आने के बाद फेक न्यूज पर काफी रोक लग जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर जिस पर व्हाट्सएप काम कर रहा है, वो है सर्च बाय डेट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये फीचर अभी डेवलपिंग फेज में है और इसको आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सर्च बाय डेट फीचर आने के बाद आपके जितने भी पुराने मैसेजेस हैं, अगर आप उन्हें सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई 5-6 महीने पुराना मैसेज सर्च करना होता है, तो अभी आप क्या करते हैं, पूरे चैट को नीचे तक स्क्रॉल करते हैं और काफी देर बाद आपको वो मैसेज मिल पाता है। लेकिन सर्च बाय डेट फीचर आने के बाद आपके जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनको आप डेट वाइज सर्च कर पाएंगे, और इसमें आपका काफी टाइम सेव होगा। तो ये थे कुछ एक्साइटिंग फीचर जिस पर व्हाट्सएप काम कर रहा है, और अगले कुछ वक्त में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। इन सभी फीचर के आने के बाद व्हाट्सएप पर आपका जो चैटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इन सारे फीचर्स में से आप कौन से फीचर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर लिखकर बताना। और टेक रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज के लिए आप देखते रहिए टेक टॉक। ABP न्यूज आपको रखे आगे।